ऐसा देखो सबसे पहले तो जो हमारी गोलक सराफ में उन्होंने संस्था के बारे में बताया, तो संस्था के बारे में बहुत सारा नॉलेज दिया, कितना ब्रांच ऑफिस है, कितना स्मार्ट शॉप है, बताया इसके साथ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया सारा चीज। और हमारे जो गोलक सराफ में थे उन्होंने भी बताया कोर्स और सेंटर है और बहुत सारी चीजें यहाँ सीखा। और सबसे ज्यादा यहाँ पे अर्चना दीदी को देख के जब उनके यहाँ मान सम्मान मिला था तो उनको देख के हमें लगा कि जब दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। इनका भी सोच बना कि हम भी ऐसा लेवल देंगे, इस साल तेरा वीक में सिल्वर बनेंगे, हमको भी सम्मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, बताइए कुछ जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मास्टर केवल पटेल, आई बिलोंग टू द होप प्रोवेंट्री। मेरे सिर्फ एक ही जरा ली है कि आज मेरा भी सिर्फ सुपर स्मार्ट लेवल है, तो मुझे कम बोलने का मौका मिला। मैं सोच के आई थी कि मैं कहीं ज्यादा बोलती, लेकिन क्या है सिर्फ लेवल छोटा था तो कम बोलने को मिला है। और मैं सबसे पहले जब यहाँ पे आई थी ना तो मुझे मोटी माला चाहिए थी, सिर्फ दो माला मेरी सबसे बड़ी जरा नहीं है कि मैंने एक ही चीज सोची है कि तीरा में सिल्वर में मैं गोल्ड कम्प्लीट करूंगी और मुझे मोटी माला चाहिए ताकि मैं दिखू रही मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए मुझे मोटी माला चाहिए। अगर मेहनत नहीं करोगी तो आगे भी नहीं बढ़ पाओगी। अगर मेहनत है तो सिर्फ
जियो, जोरदार ताली। माय सेल्फ समर एफआर माय इज नॉट ओनली एसोसिएट आई बिलोंग टू हाउवर फ्रॉम यूपी। मैंने सिर्फ एक ही बात की कि मेरे रवि भैया है वो चार साल से अपने घर नहीं गए हैं और हम लोग छोटी छोटी बातों में कुछ फोन आ जाता है या मम्मी पापा बीमार होते हैं या कारण से हो जाते हैं तो लेकिन हम लोग जाते हैं लेकिन हमारे जो रवि भैया है वो चार साल से फलन नहीं गए हैं तो हम भी अपना घर जाते हैं जब तक इस तेरह वीक में हमें सुपर इस बार कम्प्लीट करना है। Yeah. Good morning. Myself is Ismail, my profession. I am Ismail Associate. I come to Dwari from MP. अभी देखिए हमारा जो लेवल हुआ है सुपर स्मार्ट हुआ है और मात्र 9 डिग्री से हमारा सिल्वर हो गया है। तो हमने प्रोग्राम में एक ही कसम खाई थी कि जनवरी के रोज में होने देंगे जो जनवरी चल रहा है उसमें 9 डिग्री कंप्लीट करके सर्वर कंप्लीट करेंगे और जो 13 वीक है उसमें अपना गोल्ड कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत बताया आप प्रोग्राम में क्या सीखे ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भटक गए अपने रास्ते से आप प्रोग्राम में गए थे आपने क्या सीखा? कोई इंसान को सीखा होगा कुछ देखा होगा? प्रोग्राम में एक चीज सीखे है पहली चीज तो साइंटिफाई करना पड़ेगा। साइंटिफाई मतलब त्याग करना पड़ेगा फैमिली वालों का मतलब मम्मी पापा का कम से कम करीबन 2-3 साल घर परिवार ही देखना है। मेहनत करना है काम करना है तब जाकर के लेवल वो अपना अचीवमेंट होगा क्योंकि जब हमारे अपना जो थोड़ी थोड़ी बार डांट देते हैं तो हम लोग उनसे नाराज होकर घर भाग जाते हैं उनका कॉल रिसीव नहीं करते हैं उनसे मिसकमिटमेंट कर देते हैं उनकी बातों को क्लियर तरीके से नहीं समझते हैं तब जाकर के हमारा लेवल नहीं हो पाता है और ना हमारा टारगेट पूरा हो पाता है क्योंकि जो अपलाइन लोग होते हैं वो हमारे फोकस और हमारा ड्रीम पूरा कराने के लिए होते हैं तो उनकी बातों को गौर से समझ के ध्यान से समझ के उनकी बातों को फोकस करना है तो अपने लेवल को करना है। मोबाइल में बिजी नहीं रहना है वरना की अदरवाइज भी मोबाइल चला के मतलब फालतू काम नहीं करना है जी। सुनो पहले आप मेन पॉइंट बताओ कि मेरा नाम ये मैं यहाँ पे हूँ मैं प्रोग्राम में आपने क्या देखा प्रोग्राम इतना अच्छा होगा झांसी में साहब ने कोई इंसान से मजा ऐसा था जैसा है कुछ ना कुछ उन लोगों ने बोला है एक घंटे स्पीड दिखा तो एक फोटो याद करो मेमोरी को घुमाओ जिसमें भूल जाओ कि आपने समझो कि हमने क्या सीखा किसकी क्या बात लगा था बताइए सर नहीं मजा ऐसा रहे हैं ये पेज वाले हैं कल की क्या देगी इसका भाई कौन है इन्होंने देखा कि रोहित भैया और दोनों भाई बहन काम कर रहे मम्मी पापा को आज सिर पे चढ़ाए माला पहना गया तो क्या सोचे कि हमको भी अपनी बात प्रोग्राम में लेवल लेना है कौन सा लेवल लेना है वेरी गुड और माँ बाप को भी स्टेज पे चढ़ाना है ताजा जी थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल गुड मॉर्निंग भाई सर गजेंद्र राज आई बिलोंग टू पटना डिस्ट्रिक्ट पटना। आज देखा जाए तो मैं अभी कल प्रोग्राम में आया हुआ था साहब सुना समझा लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि लेवल बहुत छोटा था। आज एक ही बात सोची समझी कि आज जैसे मैंने सीखा मिस्टर रणवेजय सर से सीखा रणवेजय सर से मैंने क्या सीखा कि आज उन्होंने देखा तो अपने कार के लिए घर की प्रॉब्लम देखी परेशानी देखी कि मम्मी दो फटी साड़ी में कभी कभी नहाती नहीं थी ठंडे के मौसम में बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारी परेशानी देखी और आज कहीं ना कहीं हमारे घर में भी हमारी फैमिली में भी होती रहती है तो ये भी चेंज करना है। साथ ही साथ कृपाल सर से मैंने सीखा है क्या देखा जाए तो भाई आज बोला जाता है ना बुंदेलखंड के तवांग लीडर में चाहता हूँ मिस्टर कृपाल सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज मैं एक ही बात सीखता हूँ कि बंदूक से निकली हुई गोली और मिस्टर कृपाल सर के मुंह से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती चाहे कितना भी लॉकडाउन लगाओ या लॉकडाउन का पाप लगाओ आज कमिटमेंट कर
लॉकडाउन लगने वाला है, पर लॉकडाउन लग जाए, चाहे धरती फट जाए, चाहे आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, जलन लेके जा रहे हैं। और जो भी तेरा भी बचे हुए हैं, तेरा भी में इसी हॉल के बाहर अपनी कार खड़ी करेंगे और गोल्ड कंप्लीट करेंगे। एक बार जोरदार ताली और एक बार अफसर के लिए जोरदार। तुम लोग प्रोजेक्टर से थोड़ा आ गया, प्रोजेक्टर से नहीं मेहनत करना है, कुछ भी हो जाए गोल्ड लेवल कंप्लीट करके एयरली होगा, होगा तैयारी के बाद मेरा विकास का फूल रहेगा, बाहर मेरा विकास रहेगा, यही बात है।